हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे और कोरोना से बचने के लिए पूरी पूरी सावधानी बरत रहे होंगे। तो गाइस, आज मैं जा रही हूँ संक्रांति का सामान लेने के लिए, बाजार जा रही हूँ और संक्रांति पे जो 14 आइटम बांटते हैं वो मैं कुछ लेने जा रही हूँ। और वैसे मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या लूँगी, पर मार्केट में देखने से पता चलेगा कि कौन सा क्या सामान लेना है। और इससे पहले मैं बैंक जा रही हूँ क्योंकि मुझे बैंक का भी काम है। तो गाइस, यहाँ देखो बाजार में इतनी ज्यादा भीड़ है और किसी भी कंडीशन में मुझे ये नहीं लग रहा है कि कोरोना बिल्कुल है भी क्या। तो किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा है यहाँ पर। तो गाइस, मैं आ गई हूँ आज कॉस्मेटिक की शॉप पर और मुझे बहुत सारा सामान लेना है यहाँ से। तो ये भैया खड़े हुए हैं, इनको मैंने लिस्ट दे दी है और ये अब सामान ले रहे हैं। तो आप देखते रहना मैं क्या क्या सामान ले रही हूँ यहाँ पर। तो अब मैं यहाँ पे दूसरी शॉप पर आ गई हूँ जो भी नारगढ़ रोड पर ही है और यहाँ पे मुझे कौशिकी का सामान लेना है। तो मैंने ये वाला सामान कौशिकी के लिए लिया है। तो गाइज, ये नाहरगढ़ रोड पर ही पुष्पांजलि चाइल्ड केयर शॉप है और बच्चों से संबंधित जितना भी आइटम होता है, जितना भी सामान होता है, वो सारा सामान इनके लिए मिलता है। मैंने आरओ के लिए भी यहीं से खरीदा था और कौशिकी के लिए भी अब मैं यहीं से खरीदती हूँ। तो इनके पास बहुत अच्छा सामान है। तो आरव यहाँ पर अपने चरखे और पतंग खरीद रहा है और अब मैं जा रही हूँ चूड़ियों की दुकान पर। नारगढ़ रोड पर बहुत सारी चूड़ियों की भी दुकानें हैं तो मुझे कहीं भी दूर नहीं जाना पड़ता है, हमारे पास में सब कुछ मिल जाता है। तो ये मम्मी ने रामायण कल्पे हैं और इसके साथ साथ में खिचड़ी, फीनी और लड्डू भी देते हैं। और ये मैंने कल्पे हैं पट्टे प्लास्टिक के और जो काफ़ी ऊंचे वाले हैं और आराम से बैठने के काम आएंगे। और ये सब सारे सुहागवार का सामान है, बढ़िया है, इसमें जो बड़ों को देते हैं मैं अपनी सास को देती हूँ। तो नीचे का काम अभी एक बार का पूरा हो गया है तो मैंने सोचा चलो एक राउंड छत का लगा आते हैं। तो अभी देखो छत पर ज़्यादा लोग नहीं आए हैं और पतंगे अभी थोड़ी कम उड़ रही है, अब धीरे धीरे लोग ऊपर आने वाले हैं और पतंग भी अभी शुरू होने वाली है। वैसे तो हो गई है शुरू पर अभी कम उड़ रही है और वैसे भी क्या कि लाइट चली गई है तो स्पीकर नहीं चल रहे हैं तो उससे थोड़ा सा क्रेज कम हो गया। तो सब लाइट का वेट कर रहे हैं, जैसे लाइट आएगी वैसे धमाकेदार पतंगे उड़नी शुरू हो जाएगी और फिर आवाज़ें आएंगी ये काटा ये काटा। यहाँ आरव आराम से पतंगे उड़ा रहा है, इसको सबसे ज़्यादा क्रेज है पतंग उड़ाने का और इसको बिल्कुल पता नहीं है कि मैं पीछे से इसकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ।
पहले इसको पतंग उड़ानी नहीं आती थी, लेकिन अब ये 2 साल से इतनी इसने प्रैक्टिस की है, इतनी प्रैक्टिस की है कि एकदम से एक्सपर्ट हो गया है ये पतंग उड़ाने में। और ये देखो गाइस, बंदर भी आराम से पतंगों का मजा ले रहा है। आगे देखते हैं आज इतने लोग छत पर कैसे हैं। अब पतंगें ना थोड़ी ज़्यादा उड़नी शुरू हो गई है, हर छत पे लोग आ गए हैं और हर छत से पतंग उड़ रही है और पतंगों के साथ साथ बलून भी उड़ रहे हैं। और अब तो शाम हो गई है और पूरी तरह से एकदम पतंग उड़ने का एकदम पीक टाइम आ गया अब, और सब कोई पतंग उड़ा रहा है, हर कोई छत पर है, हर कोई पतंग पतंग चिल्ला रहा है और आसमान पूरा पतंगों से भर गया है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी चिड़ियाँ हैं वो एक साथ उड़ रही है। और अभी शाम होते होते बहुत सारी लालटेन भी जलने लग जाएगी, तो एकदम दीपावली की जैसा माहौल हो जाएगा। तो मैं आगे की रिकॉर्डिंग भी आपको दिखाऊंगी। पतंगों के साथ साथ अब पटाखे जलने भी शुरू हो जाएंगे और इतने पटाखे जलेंगे कि इतने शायद दीपावली पर भी नहीं जलते हैं। और ये हमारे पास वाले भैया इतनी बड़ी वाली पतंग उड़ा रहे हैं अभी। ये देखो गाइस, ये है वो सबसे बड़ी पतंग है, बहुत बड़ी सी पतंग है। रारव 20 पतंगे उड़ा चुका है और उनमें से इसने 15 तो कटवा ली है और 10-12 इसने लूट भी ली है। और ये पहली लालटेन हमने उड़ाई है और सक्सेसफुली लॉन्च हो गई है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि लालटेन उड़ती नहीं, वो नीचे की नीचे रह जाती है। तो ये पहली लालटेन है ना, अच्छे से उड़ गई है। और ये फिर से एक लालटेन उड़ने को तैयार हो गई है। और ये देखो अब इतने सारे यहाँ पर पटाखे चलने शुरू हो गए हैं। तो एक तो दीपावली में पटाखे चलते हैं और दूसरे संक्रांति पर ही दीपावली में चलते हैं, तो एक से बढ़कर एक पटाखे चल रहे हैं। और ये रिकॉर्डिंग इतनी मुश्किल से हुई थी क्योंकि बिल्कुल सामने ही पटाखे छुट रहे थे, हम लोग भी छुड़ा रहे थे और उनकी चिंगारियाँ हैं वो उछल उछल के मेरे अंदर हो गई थी, तो बड़ा मुश्किल था उसके।
गाइस, ये है जयपुर की मकर संक्रांति। बहुत अच्छे से मनती है यहाँ पर संक्रांति। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।